तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो इसका जो मेथड रहेगा, उसका पहला स्टेप जो पहला जो उसका जो मेथड रहेगा रहेगा सपोज एन इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेनिंग एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, जिसको पैरामीटर भी कहते हैं। यानी एक इक्वेशन दिया जाएगा किसी का फैमिली ऑफ कर्व का, जिसमें एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेंगे। एन यानी कोई नंबर, कोई वेरिएबल नंबर रहेगा। और जो पहला स्टेप रहेगा, स्टेप वन, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एन टाइम्स टू गेट एन मोर इक्वेशंस। डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एन टाइम्स टू गेट एन मोर इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दिया गया रहेगा उसको हम लोग एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे हमारे पास एन और इक्वेशन आ जाएंगे। एक तो ये इक्वेशन जो दिया रहेगा वो हो जाएगा और एन इक्वेशन और आएगा, तो टोटल जो इक्वेशन हो जाएगा एन प्लस वन इक्वेशन हो जाएगा। और जो हम लोग को एन प्लस एन इक्वेशन, उसका जो स्टेप टू रहेगा, एलिमिनेट एन कॉन्स्टेंट यूजिंग एन प्लस वन इक्वेशन। जो हमारे पास एन कॉन्स्टेंट रहेंगे, एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, उससे ये जो एन प्लस वन हम लोग को इक्वेशन मिला, एन डिफ्रेंशिएट करके और जो एन प्लस वन ये जो इक्वेशन पहले से दिया गया है उसको लेकर, तो उस इक्वेशन एन प्लस वन इक्वेशन को यूज़ करके हम इन एन कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। ये जो हम लोग ये सब करने ये इतने दो स्टेप करने के बाद हम लोग को जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से समझने के लिए। तो ये रहा पहला एग्जांपल। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx। यहाँ m जो है एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग इसको बस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो m का इसको इक्वेशन वन लेते हैं, इसको इक्वेशन टू लेते हैं। तो इक्वेशन टू में जो m का वैल्यू है वो उसको हम लोग इक्वेशन वन में पुट करेंगे। और इसको अगले स्टेप में हम लोग सबको हम लोग एलसीएम में शिफ्ट कर देंगे। ये हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, x डिवाइड बाई dx माइनस y इज इक्वल टू जीरो। गाइस, ये है दूसरा एग्जांपल। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस x, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, यहाँ दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है a और b, इस इक्वेशन को हम लोग वन मान लेते हैं। यानी इस इक्वेशन में हम लोग को दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स a e टू द पावर x, a कॉन्स्टेंट है, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, यहाँ माइनस b e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस e टू द पावर माइनस x होता है, हम लोग उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर ई एक्स माइनस माइनस बी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी ए टू द पावर माइनस एक्स। ये इक्वेशन टू हुआ। इक्वेशन टू का जो आर एच एस है, इक्वेशन वन का जो आर एच एस है, दोनों सेम है, यानी दोनों का एल एच एस भी सेम होगा। तो y इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस, ये है आज का थर्ड और फाइनल एग्जांपल। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स वाई माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस ए, वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स। तो इसके लिए यहाँ ये गिवन इक्वेशन है वाई माइनस बी टू द पावर 2 4 एक्स माइनस ए इक्वेशन 1। यहाँ दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है बी और ए, तो हमें इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करने पे
2y minus b dy by dx is equal to 4i, और ये जिसको मैं डिवाइड कर देंगे तो y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2. अब हम लोग उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा. तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको सबसे इस टर्म को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैसा का वैसा रह जाएगा. वो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड डी एक्स आएगा. प्लस हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा तो ये टर्म वैसा ही रह जाएगा. इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और हम लोग इस इक्वेशन से यहाँ से इस इक्वेशन से ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि y माइनस बी इज इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स है, यानी डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 2 प्लस y के वैल्यू y माइनस बी जो है आपको 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स है. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइनली इसको एलसीएम लेकर जो नॉर्मल हम लोग सम करते हैं वही कर देंगे. डी वाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप लोग भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें कुछ डाउट्स होता होगा या कोई टॉपिक में डाउट होता होगा तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कहीं से भी जो भी पढ़ाया गया उसमें से.